नमस्कार मुनीता स्वागत करें समस्त को आम चैनल बीन रोसे को आज आम प्रस्तुत करवा कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग। ये ब्रेड पुडिंग मो चैनल प्रथम रेसीपी थी जहाँ को आज आउ थ प्रस्तुत करे कहे से वीडियो भल था ना ये वीडियो भल अच्छी। जदि आज वीडियोटी भल लगे निश्चित वीडियो को लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भी भूल सब्सक्राइब बटन पाकर बेल बटन क्लिक करी ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करने जहाद्वारा आगो को मुझे अपलोड करने को जाऊँगा मोर सब नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर तेब आउ डेरी नक आरंभ करवा आज बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी मजेदार कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग रेसीपी। आम ये टी चीनी को कैरामेलाइज करदे कहीं आम यहाँ बनाऊे कैरामेल ब्रेड पुडिंग से लगे दुई बड़ चमच चीनी को मुझे पैन दे चीनी रे दे देदे गोटे चमच पानी पानी देकर यह आमे मीडियम फ्लेम रे चीनी को एकदम कैरामेलाइज करवा। आपण ये देखिपुट चीनी रो कलर धीरे धीरे चेंज होगा लगी यह कंटिन्यूसली यहपर चलाउे नचे यहाँ जदि पोड़ ताहले पिता लगे जमार भी भल टेस्ट आसवनी तेणुक केयरफुली बनइबे देखूँ हो गला बढ़िया कलर आसीगला आठर आधिका ब्राउन करानी बर्तमान नहीं गोटे केक टीन ये केक टीन ढाद चारिपट को एमती बुले नहीं कि संपूर्ण थंडा हाँपाई छाड़देव ये मुझे अधा लिटर क्षीर बर्तमान क्षीर देदे आम चीनी आपत जमी मीठा खाया को पसंद करेंगे से अनुसार चीनी कम बेस करें मुझे अधा कप चीनी एड करदे चीनी देलापर एक क्षीर को आम भल भाव फुटापी छाड़ मझे मझे यहपरिका गोलाउा गैस फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम रे ही रखिथिबा क्षीर फुटला भितर आम बाकी तक प्रोसेस स्टार्ट करदे। ये मुझे दुई बड़ चमच कस्टर्ड पाउडर एमें अल्प पा दे कि आर गोटे बढ़िया से घोल बनई ना जमी ए कि लम्स रही भल भाव गोल ये मिश्रणटा बर्तमान आम सैड रखा ब्रेड पुडिंग बनाऊे से लगे मुझे मीडियम सैज्र छ पीस ब्रेड नहीं सैड ब्राउन पार्ट को आम काटिक बाहर कर ना तापर गोटे ग्राइंडर जार नहीं जा ग्राइंडर जार ब्रेड को एमती खंड कर देकी एकदम आर पाउडर बनई ना एकदम झुरा झुरा करकी देखु ये झुरा झुरा ब्रेड पाउडर रेडी होगा यह सब जिनस को सैड रखा आपन ये देखिपुटे क्षीर आमर भल भाव फुटला अलरेडी मुझे सीझा क्षीर नहीं तेणुक क्षीर को आ बेसी फुटौनी आम जो कस्टर्ड पाउडर रिक्सर टी तार रेडी करें ताको बर्तमान देदेव यहाँ कंटिन्यूसली गोलवा कस्टर्ड पाउडर दबा द्वारा ए बहुत ही शीघ्र एटा गाढ़ा हो जाए तेणुक यहाँ आम कंटिन्यूसली चल गैस फ्लेम स्लो कर देकी यहाँ अच्छी वनिला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर जो थे कि मिल्क पाउडर भी अच्छी कॉर्नफ्लोर भी अच्छी येलो फूड कलर भी अच्छी ये होममेड कस्टर्ड पाउडर जदि आपण मैंने घर कस्टर्ड पाउडर बनवाक चाहूँ तेज ये रेसीपी लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवि आप चेक करें। कस्टर्ड पाउडर फुटला परे एठी देखंतु मु देई दीची ब्रेड पाउडर जहाँ को आम बर्तमान बनई कि रखी थे बर्तमान या आम कंटिन्यूसली चलेबा एवं या को भल भाव फुटापी छाड़ा जमी कस्टर्ड पाउडरटा ब्रेडटा आम सब जिन जमी भल भाव मिसीजी ये आप देखिपुटे मिक्सर टी आम रेडीगला भल भाव फुटीगला गैस फ्लेम को बंद करदे मिक्सरटा को आम जो चीनी रो कैरामेलटा को गोटे केक टीन रखिले से केक टीन ये मिश्रणटा को ढाद केक टीन टा आमर संपूर्ण थंडा हो जाएगी थंडा हला आपरे ए ब्रेड रो मिक्सरटा देदेवे भल भाव या मिसेकी एमती का सेट कर देकी आप गोटे प्लेट गोड़े देवा आप चाहिए फॉइल पेपर मध्यपरेंगे गोटे कढ़ई में किसी पा नहीं गोटे गिना रखे गोटे टिफिन रो कभरटा घोड़े दीजिए आप स्टैंड लगे पारे यह आम भल भाव पा फुट पा फुटला आम ये रखिदे आम केक टीन को कभर करी 25 रु 30 मिनिट मीडियम फ्लेम रे कुक कला ये आप देखिपुटे आम बढ़िया भाव ये सीझी जा बहुत ही गरम अच्छी आम या प्रथम बाहर काढ़ी थंडा कर ना थंडा होमें फ्रिज रे रखिदे दुई रु तीन घंटा पर्यंत तीन घंटा फ्रिज रे रखिला परे देखु मुझे बाहर को बाहर कर आपड़ दुई घंटार मध्य रखिपारे छुरी साइज़ साइड रु यहपरिका छड़े ना जमी आम प्लेट्रे बाहर को आसानी हम
देखु एटी केक टीन टाकु उठे नवा। वाओ केते बढ़िया कलर आसी गार्निशिंग मुझे गोटे पुदीनार पत्र दे दौर देखु ये आमर प्रस्तुत हो जाएगी कैरामेल कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग जहाँ रेसीपी थी मोर प्रथम रेसीपी चैनल ताकि आज आउ थे बनईची खाइबा को समस्त को बहुत बढ़िया लगी बहुत ही टेस्टी लगी। देखो मैं आपको काटिकी देखा केते सॉफ्ट होटा बहुत ही टेस्टी लगी था निश्चित थे घरे बनइबे केमती लगला मत कमेंट निश्चय जनइबे। आशा करूँगी आज ये कैरामेल कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग रो रेसिपी आपन समस्त को निश्चित पसंद आसतिबो पसंद आसीतिले वीडियो को लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमारो भूलिबेनी। सब्सक्राइब बटन पाखरे थिबा बेल बटन ने क्लिक करी ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट करने बे जादरा आगु को मो अपलोड करबा को जाउथबा मोर सब नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। तबे मो पोणी आसीबी गोटे नुवा एवं इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित से पर्यंत आपन समस्त खुशी रे थांतु भले।